हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ कोड लिखकर। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, सिर्फ जो पहले हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ इसमें असाइन कर दिया, यानी कि लोकल होस्ट हमारा इस वेरिएबल में असाइन है, हमारा जो यूज़र नेम है वो इस वेरिएबल में, जो पासवर्ड है वो इस वेरिएबल में। पासवर्ड हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बिकॉज पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, इसीलिए यहाँ हम लोगों ने डीबी नेम नहीं लिखा है बिकॉज मैं वो डेटाबेस क्रिएट करने वाला। याद रखिएगा, अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो किसी डेटाबेस के अंदर तो करेंगे नहीं, तो डेटाबेस को यहाँ लिखना नहीं है। या मैंने कमेंट में लिख दिया है कि क्रिएट कनेक्शन, ये जो है कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। व्हेन यू क्रिएट डेटाबेस डू नॉट स्पेसिफाई डेटाबेस नेम हियर, यहाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर भी नहीं किया है। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन ये बेसिकली मैं बता देता हूँ ये क्या करता है। ये कनेक्शन ओपन करता है, ये कनेक्शन को क्रिएट करता है, डेटाबेस नहीं बनाता है बल्कि ये क्रिएट कनेक्शन क्रिएट करता है, कनेक्शन को ओपन करता है जिससे कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकें और उसके अंदर के टेबल्स को, डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। सो ये कोड लिखना है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि डेटाबेस का नाम नहीं लिखना, जो क्योंकि हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। देन यहाँ कनेक्शन चेक कर लीजिए, जो आप कनेक्शन चेक करने का है। देन यहाँ एसक्यूएल में क्वेरी आपको लिखना है कि क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये क्वेरी आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपको सक्सेसफुली, तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज नहीं होता है तो अनेबल टू क्रिएट डेटाबेस मिलेगा। मतलब ये सिर्फ ये एक लाइन का कोड आपको लिखना है, बाकी सारी चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं। सेव कर लेते हैं इसको, मैं आपको सबसे पहले अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है इस नाम का, किस नाम का, न्यू डीबी नाम का। लेकिन जैसे हम लोग इस पेज को रन करेंगे, हमारा एक यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, लोकल होस्ट और हमारा जीएस पीएचपी ट्यूटोरियल। तो जैसे मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे यहाँ कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर से ओपन करते हैं, ठीक है, बैक जाकर इसको फिर से ओपन करते हैं, लोकल होस्ट और पीएचपी माय एडमिन। देन यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको एक नया डेटाबेस दिखाई देगा न्यू अंडरस्कोर डीबी के नाम से, ठीक है। तो ये अभी क्रिएट हुआ है। सो ये है आपका कि किस तरीके से आप डेटाबेस बना सकते हैं अगर आपको कोड के थ्रू बनाना है तो। वैसे तो हम लोगों ने देखा कि आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर कोड के थ्रू करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसको और आप इन्हांस कर लीजिएगा, अगर आप यूज़र को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। बस आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें सबमिट बटन क्लिक करेगा तो वो आपका कुछ इस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ बिकॉज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, इसीलिए छोटा सा क्वेरी है ये। ओके, सो ऐसा ज़रूरत पड़ता नहीं है वैसे कि आप यूज़र को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दें, लेकिन फिर भी कोड मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।